चलिए हम आपको दृश्य दर्शाने लेकर चल रहे हैं। उत्तर भारतीय समाज की एक अहम बैठक संपन्न की गई। यह बैठक शीलानंद झा दरभंगी सेठ के निवास स्थान पर संपन्न की गई, जहां पर श्याम बिहारी मिश्रा जो कि उत्तर भारतीय अध्यक्ष हैं, साथ में गोपाल सिंह जो कि उत्तर भारतीय वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ में शीलानंद झा, प्रेम नारायण राय, मनोज सिंह, उमेश झा, गणपत चौधरी जो कि बिहारी समाज के अध्यक्ष हैं, सभी के अलावा कई गणमान्य लोग वहां पर उपस्थित थे। हम आपको लेकर चलते हैं उस बैठक का दृश्य दर्शाने के लिए कि जिस वक्त यह बैठक संपन्न की जा रही थी, वहां पर एक ही चर्चा रहा कि उत्तर भारतीय समाज को किस तरीके से बल देकर आगे बढ़ाया जाए। लेकर चलते हैं वहां का दृश्य दर्शाने के लिए और एक वक्तव्य सबके दिखाने के लिए कि अपनी अपनी राय लोगों ने रखी है, वो राय सुनिए। उसके बाद सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार वहां पर कुछ अहम मामलों पर भी चर्चा की गई, पर यह स्पष्टीकरण नहीं आ पाया है कि किस विषय को लेकर के यह चर्चा थी, जो कि बिल्कुल गुप्त रखी गई। फिलहाल लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी यह आशंका जताई जा रही कि यह बैठक हो सकती है। लेकर चलते हैं वहाँ का दृश्य दर्शाने के लिए। मीटिंग तो हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए रहती है और आज भी उसी के लिए रही। सर, चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि चुनाव सर पर है, एक अहम बैठक है। क्या सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग राजनीतिक लोग है ही नहीं, ये मेरी घर की मीटिंग है, हमारे परिवार की मीटिंग है, उसमें राजनीति को देना चाहिए। आज की जो समाज की बैठक हुई उसमें सामाजिक मुद्दों पर बड़ी गहन चर्चा हुई। समाज को क्या दिशा देना है, समाज को कैसे संगठित करना है, समाज को कैसे ऊपर उठाना है, समाज को कैसे सुरक्षित करना है, इस पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। तमाम उपस्थित भाइयों ने अपने अपने अच्छे विचार रखे, सुझाव रखे, उसको लोगों ने सुना। समाज क्या निर्णय लेगा ये आज तय नहीं हुआ है। समाज भविष्य में क्या निर्णय लेगा ये समाज तय करेगा, कुछ लोग उसको तय नहीं करेंगे। और यहाँ कोई राजनीतिक माहौल नहीं है। मैं आपको स्पष्ट इस बात से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कुछ लोग जा करके उत्तर भारतीय समाज या किसी समाज को किसी राजनीतिक पार्टी को बेचने की कोशिश करें तो ऐसे व्यक्ति को समाज भरे समाज में नंगा करेगा और सामाजिक सजा देगा और दंड देगा। आज की हमारी मीटिंग जो हुई है उत्तर भारतीयों की मीटिंग है, न कि राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग है। और पहली बात मैं आप मीडिया वालों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बाहर जाके ऐसा संदेश मत देना कि राजनीतिक मीटिंग हुई है। हमारी जो विचार विमर्श हुआ है, हमारे वरिष्ठ जो क्या फैसला लेते हैं वो हमको बाद मालूम पड़ेगा। अभी कुछ ऐसा फाइनल नहीं हुआ। हम लोग काहे के लिए मीटिंग ली, हम अपने समाज के लिए मीटिंग रखे हैं। बाकी आगे का जो रूपरेखा है समाज जो तय करेगा उसमें हम लोग आगे चलेंगे। यह है कि सारे उत्तर भारतीयों को एक करने के लिए मीटिंग हुई है, क्योंकि राजनीति मीटिंग नहीं थी। जब देखा जाए लोकसभा चुनाव डिक्लेयर हो गया है, इसके बावजूद भी आपने मीटिंग रखी। देखिए, ये मीटिंग का प्रारूप पहले रख दिया गया था और इसलिए आज रखना पड़ा हमको। हम लोग पहले तो कहीं और मीटिंग करने वाले थे, ये राजनीति के कारण ही हम लोग घर में मीटिंग रखी अपनी, न कि बाहर रखी है। बाहर अगर रखते तो राजनीति ज्यादा आवाज मिलता। हम घर में रखने की वजह से हमको कोई दिक्कत नहीं, हम अपना घर में मीटिंग रखी, अपने घर की मीटिंग हमारे किसी राजनीति कोई लेना देना नहीं। आज की मीटिंग हुआ है यहाँ पर, ये मीटिंग का पहले ही तैयार हो गया था और उसमें हम लोगों को बाहर जो प्रोग्राम रखने के था वो हम लोग ने प्रोग्राम देखा करके घर में हम हमारे भाईचारे के लिए, हमारे समाज के भाईचारे के लिए ये सामाजिक एक मिलन था समाज के लिए। और जो ये हम समाज को संदेश देते जो लोग हमारे छूटे हुए हैं, जो लोग यहाँ हम नहीं बुला पाए, क्योंकि ये प्रोग्राम का जो रूपरेखा तैयार हुआ जल्दी में हुआ, तो इसके लिए हम लोग बाहर जो हमारे लोग बच गए उनको नहीं बुला पाया। ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, तमाम उत्तर भारतीयों की जिम्मेदारी है कि उत्तर भारतीय जो आज बिखरे हुए हैं उनको संगठित करें, और इसी उद्देश्य से आज की ये मीटिंग बुलाई गई।